Good morning friends, I am Neha Rabari. So welcome back to my channel Smart Kids English Grammar. Friends, English Grammar के दूसरे सेशन में हम लोग सेंटेंस और उसके प्रकार पढ़ेंगे. फ्रेंड्स, मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में स्टडी करा था. फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, डू किसके साथ लगता है, डस किसके साथ लगता है, एस या ईएस का यूज करने का कंडीशन क्या है. फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग सेंटेंस और उसके टाइप्स के स्टडी करते हैं, डिटेल से स्टडी करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य और टाइप्स का मतलब होता है प्रकार, मतलब वाक्य के प्रकार. तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लोजेस टू कम्युनिकेट इज अ सेंटेंस. जो वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, लेटर्स मिलके बनाते हैं वर्ड्स को, वर्ड्स मिलके बनाते हैं क्लोजेस को, और जो क्लोजेस होते हैं वो मिलके बनाते हैं एक सेंटेंस को. जो स्पीकर है, वो स्पीकर जब बोल रहा होता है ना, तो उसे सेंटेंस की जरूरत पड़ती है. अगर मैं, मान लीजिए कि एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मुझे एक सेंटेंस की जरूरत चाहिए. तो वो जो लेटर्स होते हैं वो वर्ड्स को बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं क्लोजेस को, और क्लोजेस एक सेंटेंस तैयार करते हैं. तो मुझे आप लोगों से बात करने के लिए एक सेंटेंस चाहिए. जो मेरा मैसेज है, अगर मुझे उसको कन्वे करना है तो मुझे एक सेंटेंस की जरूरत है. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके टाइप देख लेते हैं. फ्रेंड्स, ये बेसिकली तो 4 टाइप्स के होते हैं, पर इसको एक्सटेंड करके 6 भी बना सकते हैं. अभी हम 4 टाइप्स की बात करते हैं. नंबर 1, सिंपल यानी अफर्मेटिव, उसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य. नंबर 2, निगेटिव, नकारात्मक वाक्य, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य. इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, WH वर्ड इंट्रोगेटिव, WH प्रश्नवाचक. और फ्रेंड, जो 6 होते हैं जिनको हम एक्सटेंड करके 6 वाक्य बना सकते हैं, जो 6 टाइप्स बना सकते हैं, वो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है. तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इनकी डिटेल्स मीनिंग जान लेते हैं. चलिए, सिंपल यानी अफर्मेटिव, जो स्पीकर होता है वो अपने वर्ड्स में बोलता है, अपने साधारण सेंटेंस में बोलता है, सिंपल वर्ड्स में बोलता है. जो स्पीकर है वो सामने वाले को सिंपल वर्ड्स में बोलता है, सिंपल सेंटेंस में बोलता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं पानी पीती हूँ, आई ड्रिंक. तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड. ही रीड्स, शी रीड्स, शी प्लेज, शी लुक्स, शी वॉचेस. ये सब होता है ना निगेटिव. निगेटिव का मतलब नकारना, कोई बात को डिसएग्री करना, कोई स्टेटमेंट है उसको डिसएग्री करना, उसको नहीं मानना हमें, मतलब हम उस स्टेटमेंट से डिसएग्री हैं. ओके, नाउ निगेटिव के 4 एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि मैं रोजाना दौड़ने नहीं जाती हूँ. ओके, और अगर मुझसे कोई पूछे कि आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते, तो अगर मैं निगेटिव में आंसर दूँ तो आप लोग क्या बोलोगे कि मैं बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाती हूँ? अगर मैं निगेटिव में बोलूँ तो मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं है, मतलब मैं उस स्टेटमेंट से डिसएग्री हूँ. ओके, ना इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव का मतलब जो जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव के अंदर क्या से शुरू होते हैं और जो रिप्लाई होता है उसका यस या नो में दिया जाता है. फ्रेंड्स, द रिप्लाई विल बी गिवन इन ओनली यस और नो. ओके, अब मैं आप लोगों से एग्जांपल बता देती हूँ आप लोगों को. क्या तुम खाना खाते हो? क्या वह दौड़ती है? क्या वह स्कूल जाती है? क्या वह बाजार जाती है? क्या वो डांस करती है? क्या वो म्यूजिक बजाती है? अगर आप मुझसे कोई पूछे कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैं बोलूंगी, अगर मैं यस बोलूं तो उसको, मतलब मेरा आंसर सेम नहीं होगा उससे. अगर वो पूछे कि आप डांस करते हो, अगर मैं यस बोलूं तो मतलब मेरा आंसर सेम है. उसने पूछा कि क्या तुम डांस करते हो, मतलब मैं करती हूँ. अगर मैं करती हूँ तो मैं यस बोलूंगी, अगर नहीं करती हूँ तो मैं नो बोलूंगी. नाउ
WH word interrogative. पर WH word interrogative होता है वो WH word से start होता है. देखिए मैं आपको बताती हूँ, कब जो कि होता है when, how many, how much, what, why, where, why, like this, okay? अब WH word interrogative होता है उसका answer detailed में दिया जाता है. The answer will be given in only detailed, okay? अब मैं आप लोगों को example बताती हूँ. तुम क्यों डांस नहीं करती हो? ये तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ ना. डब्ल्यू एच वर्ड्स का जो इंट्रोगेटिव है वो नेगेटिव हुआ. आपको साथ में मैंने डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी बता दिया. ओके, तुम क्यों दौड़ती हो, इसमें क्यों आया जो कि डब्ल्यू एच वर्ड में है. क्यों का मतलब होता है वाई. ओके, फिर जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं आप लोगों को इनके स्ट्रक्चर्स बताऊंगी. ओके ना फ्रेंड्स, जो अगली वीडियो है उसमें हम लोग आपको स्ट्रक्चर्स बताएंगे. पर उससे पहले जो सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स है उन सबका आप लोग रिवाइज कर लीजिए कि सेंटेंस एंड टाइप्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़े, सेंटेंस का मतलब क्या है, टाइप्स कितने हैं और उसको एक्सटेंड करके कितने टाइप्स होते हैं, उनके मतलब मीनिंग क्या है, डिटेल्ड में मीनिंग क्या है, इंट्रोगेटिव कौन से क्या से शुरू होता है या क्यों, व्हाट, व्हेन, कब, ये सब उनसे शुरू होता है या फिर क्या से शुरू होता है. और डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव में व्हेन, कब, इन सब की मैं आपको डिटेल से मींस जो अगली वीडियो होगी या फिर जब भी कोई मैं आप लोगों से सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगी आप लोग उसको भी जरूर देख लेना. थैंक यू. और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना. थैंक यू.